हे लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं वेज क्रिस्पी पिलोज। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक्स होते हैं एंड काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। आपकी किसी भी टाइप की पार्टी क्यों ना हो, बच्चों की पार्टी हो, बड़ों की पार्टी हो, आपकी लेडीज़ की पार्टीज़ हो, हर पार्टी के अकॉर्डिंग ये एकदम सूटेबल स्नैक्स हैं। आप इसको किसी भी टाइप की सॉस के साथ पेयरअप कर सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। एक पैन में हम 2 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल लेंगे। मैं यहाँ पर ये रेगुलर वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जब आपका ज़ीरा थोड़ा क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप अनियंस, जिसको मैंने बहुत छोटा चॉप किया हुआ है। साथ में हमारा जाएगा ये गार्लिक, जिसके 3 क्लोव्स मैंने यूज़ किए हैं, एंड हरी मिर्च, ये बड़े साइज़ की एक हरी मिर्च थी। अदरक 1 इंच के राउंड अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब हम ये सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे जब तक अनियंस हमारी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। अनियंस हमारी ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी ब्राउन दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप टोमेटोज, जिनको मैंने चॉप किया हुआ है, एंड साथ में हमारा जाएगा सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम रेड चिली पाउडर, ये मैंने कम यूज़ किया है क्योंकि हमारी जो ग्रीन चिलीज थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। 1/2 टेबल स्पून ओरिगानो। अब हम इसको जब तक कुक करेंगे जब तक हमारे टोमेटोज थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मशी भी हमें इसको नहीं करना है, बस थोड़े सॉफ्ट होने तक हम टोमेटोज को कुक करेंगे। और हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया इसमें तो कुकिंग टाइम इसका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बाकी के वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, 1/4 कप शिमला मिर्च, 1 कप पत्ता गोभी। सारी वेजिटेबल्स को मैंने बहुत छोटा चॉप किया हुआ है ताकि जब हम लोग बाद में इसके पिलोज बनाएंगे तो वो खुले ना। तो हम ये सारी वेजिटेबल्स को कुक करेंगे। इसमें पहले से सॉल्ट है तो सारी वेजिटेबल्स हमारी वाटर रिलीज करना स्टार्ट कर देंगी। तो हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। तो ये वेजिटेबल्स हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं तो हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के अराउंड पनीर, एंड इसको थोड़ा क्रीमी टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के अराउंड कर्ड। ये फ्रेश कर्ड है। रेगुलरली हम लोग इसमें वाइट सॉस एंड कैचअप वगैरह ऐड करते हैं इसको थोड़ा क्रीमी टेस्ट देने के लिए, तो वो रेगुलर टेस्ट को हटाने के लिए आज मैंने यहाँ पर कर्ड यूज़ की है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसको साइड रखते हैं। ये मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, इनके मैंने कॉर्नर्स को कट कर दिया है एंड इसको बेल करके थोड़ा हमने पतला कर लिया है। इसी तरह ये 7 से 8 पीसेज हैं, मैंने सबको कर लिया है। तो एक पीस हम यहाँ पर लेंगे, ये फ्लोर पेस्ट है। 1 चम्मच मैदा में मैंने थोड़ा सा पानी मिला करके उसका एक थिक पेस्ट बना लिया है। ये जो पिलोज होते हैं उनको चिपकाने के लिए यूज़ होता है। तो ये ब्रेड स्लाइस के सारे कॉर्नर्स पर हम ये लगा देंगे। थोड़ा अच्छे से आप इसको लगाएं ताकि फ्राई करते टाइम हमारे पिलोज ऑयल में खुले ना। अब हमने जो वेजिटेबल स्टफिंग प्रिपेयर की थी वो हम यहाँ सेंटर में प्लेस कर देते हैं। इसको फोल्ड करके हम इसके सारे कॉर्नर्स को अच्छे से चिपका लेंगे। इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप फोक की हेल्प से प्रेस कर लें, बट केयरफुली करें, फोक की वजह से इसमें होल्स भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसको थोड़ा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक प्रोसेस और करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 टेबल स्पून के अराउंड मैदा ली है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ये सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें 1/2 कप के अराउंड पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी
पतली ही हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, बट पतला हमें बैटर ये चाहिए है। ये एक कप के अराउंड ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑरिगैनो और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारे पिलोज थे इसको हम फ्लोर पेस्ट में डिप कर लेते हैं। और फिर ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। इससे क्या होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये ऑयल भी थोड़ा कम एब्जॉर्ब करते हैं। हम डायरेक्टली ब्रेड को अगर ऑयल में डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपका थोड़ा मीडियम में भी मीडियम लो ही होना चाहिए, वरना ये डालते ही आपके एकदम से ब्राउन हो जाएंगे। आप इसको कंटिन्यूसली टर्न भी करते रहें बीच बीच में ताकि एकदम सॉफ्ट गोल्डन कलर इसमें आए और ये एकदम से ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कलर इसमें आया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं पेपर टॉवल पर। तो आपके वेज क्रिस्पी पिलोज सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।